हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से टू द पॉइंट नो बकवास प्रॉपर सक्सेस स्टोरी में फिर से मैं एक नया सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। तो जो अभी गेट का रिजल्ट आया है, तो उसमें आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमित पाल, जिन्होंने गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 48 अचीव किया है। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जर्नी कैसा रहा, उन्होंने कैसे कैसे इन चीज़ों का अचीव किया। और अभी वो प्रेजेंटली हमारे साथ IIT BHU में पावर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से MTech परस्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने MTech के साथ साथ, मैं दो तीन चीज़ों पहले मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया था। और एक जो आप बोला जा सकता है वेल डिसिप्लिन्ड, एक मतलब जब से आया था मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ही मतलब सीरियस, बट जो भी उनका डेली का रेगुलर रूटीन था वो एक रूटीन फिक्स था, उस हिसाब से उनका सारा रूटीन चल रहा था। बाकी भी सारे एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे, साथ साथ MTech का सारा क्लास उन्होंने अटेंड किया था। और मतलब MTech फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने 9.5 से अबव CGPA लेके आए हैं। तो इन सभी चीजों को बैलेंस रखते हुए इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 48 अचीव किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस साल के हिसाब से, क्योंकि ये साल IIT कानपुर के द्वारा गेट एग्जाम आयोजित किया गया था, जो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर बोला जा सकता है। इनका मार्क्स है 54, जो इन्होंने इस बार अचीव किया है। 54 पे इनका रैंक 48 है। और मैं एक चीज, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस चैनल पे मैं सारे सक्सेस स्टोरी या कुछ इस तरह की मोटिवेशन या रियल चीजें मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करना चाहूंगा। मैं सीधा सीधा जो एक्चुअल फैक्ट है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो अपने एरिया में सक्सेस हैं और वो अपना कहानी या अपना मिस जो जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद अमित पाल। थैंक यू अजी, ये बंगाल से आते हैं। नमस्कार सबको। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने बीटेक कहाँ से किया था, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और आपने इस चेंज बढ़ती हुई दुनिया में गेट ही को क्यों चुना, और आपकी जर्नी कैसे रही कॉलेज। ओके, तो मेरा नाम है अमित पाल और मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, और मैं बीटेक किया हूँ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैं 2020 का पास आउट हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो सीरियस अटेम्प्ट था गेट के लिए वो था 2021 में। तो उस टाइम मेरा रैंक आया था 6934, और लेकिन उस रैंक में मेरे को PSU नहीं मिला था, तो मैं थोड़े एक MTech ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मैं जो स्ट्रीम चूज किया था वो थोड़ा डिफरेंट स्ट्रीम में था, तो इसलिए मैं उसके साथ साथ तैयारी नहीं कर पा रहा था और मेरे को उस टीम में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या किया, 2021 अक्टूबर में मैंने वो MTech छोड़ दिया। उसके बाद मैं 2022 के लिए गेट के तैयारी स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे पास लगभग 3 महीने बचा था, क्योंकि फेब में गेट का एग्जाम होता है। तो मैं 2022 में गेट का एग्जाम दिया, तो उसमें भी मेरा रैंक 690 आया। मतलब ये PSU के लिए उतना खास रैंक नहीं है। तो मैं क्या डिसाइड किया कि मतलब PSU भी जाना था मेरे को, तो मैं सोचा था कि ऐसा कॉलेज चूज कर लूं कि जहां पर मेरे को जाके मतलब PSU के लिए तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास जो रैंक था उसमें मेरा IIT खड़गपुर आने का पॉसिबिलिटी था नेक्स्ट राउंड में, लेकिन मैं देखा कि IIT खड़गपुर में प्रेशर ट्रिमेंडसली ह्यूज रहता है। तो मैं क्या किया, मैं IIT BHU ऑप्ट किया। तो लेकिन यहाँ पर आके मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मतलब मेरे को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहा। मैं MTech की पढ़ाई के साथ साथ मैं गेट को बहुत अच्छे से मैनेज किया हूँ। गेट का जो डेली रूटीन रहता है मेरा प्रिपरेशन में, वो मैं अच्छे से मैनेज किया हूँ, क्योंकि क्लास रहता था मेरा कभी सुबह रहता था कभी शाम में रहता था, दोनों हम में नहीं रहता था क्लास। तो इस वजह से मेरे को मतलब टाइम मिल गया था बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए। तो फिर से गेट लिखा और आ गया रही, तो खुशी हूँ थोड़ा बहुत।
बिल्कुल, जैसे मैं एक चीज बताऊं कि अमित के जीवन में मतलब इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो इन्होंने बहुत सारे अभी तक अटेम्प्ट किया है। इस बार इनको मतलब पिछले साल के स्कोर से, इस बार के गेट स्कोर से तो अब आएगा ही आएगा कॉल, पिछले साल के स्कोर से भी इनको बहुत सारे PSU से कॉल आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में हमें भी रिजेक्ट हुए थे, तो बहुत सारा इनको थोड़ा वो भी लगता था। बाकी हम लोग हमेशा बोलते थे कि यू हैव टू डू समथिंग एंड यू विल डू, एंड होपफुली आप मतलब मान के चलिए एक अच्छा दौर शुरू हुआ है और NTPC में इनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। तो आपने जो इस बार गेट का प्रिपरेशन किया, तो पिछले बार से इस बार क्या डिफरेंट था कि अंडर 50 लाना बहुत ही टफ वर्क है, तो अभी आपका जैसे 2 साल आपने सीरियस प्रिपरेशन किया, तो इस बार तो आप उस हिसाब से एमटेक में भी इंगेज थे, फिर भी कम टाइम होते हुए आपने क्या वैसा चेंज किया कि 50 के अंदर आप आ गए? ओके, तो मैं जब गेट 2021 और 2022 दिया, तब मैं देखा कि मेरा एग्जाम में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रहा था, कि मैं डेटा अच्छे से नहीं पढ़ रहा था, क्वेश्चन में क्या मतलब आंसर क्या मांग रहा था, कि परसेंटेज में मांग रहा है या डेसिमल में मांग रहा है, तो मैं अच्छे से नहीं देखा था। तो मैं क्या किया था कि मतलब एक मिस्टेक का कॉपी तैयार किया था, जहां पर मैं जब टेस्ट सीरीज दे रहा था, टेस्ट सीरीज देने के बाद जब मैं उसको एनालाइज करता था, तब मैं देखा कि मेरा कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, मतलब मैं कौन कौन चीज छोड़ रहा हूँ। जैसे कि मैं एक दो चीज हाईलाइट मतलब करना चाहूंगा, कि एक में था कि एक क्वेश्चन में था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ऐसा कुछ था, तो मैंने उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड करके कर दिया था। तो ऐसा ऐसा जो मिस्टेक था वो मैं कॉपी में लिख लेता था कि आई हैव डन दिस मिस्टेक, सो आई हैव टू अवेयर व्हेन दिस क्वेश्चन कम। So, इसमें क्या होता था, जब मैं नेक्स्ट टेस्ट में जाता था, तब मैं देखता था कि जब वो क्वेश्चन आता, उसी तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आ गया, तब मैं अलर्ट हो जाता था कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है पिछले टेस्ट में, तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं देखा कि उसी हिसाब से मेरा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा था मतलब मिस्टेक्स। तो मतलब गेट 23 के लिए मेरा वही था कि मतलब मिस्टेक्स को थोड़ा कम करना है, लेकिन फिर भी हो ही गया थोड़ा बहुत मिस्टेक्स, लेकिन पहले से ही भी मतलब पहले से ही अच्छा रहा। और मेरा जो एक था कि मैं मैथ्स और एपटी में थोड़ा बहुत मतलब मेहनत किए थे, कि मैं हर रोज रात में कोशिश करता था कि 10 बजे से 12 बजे तक मैं मैथ्स और एपटी में को टाइम दूं, क्योंकि मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एपटी और मैथ्स मिला के 28 मार्क्स का आता है। तो अगर किसी का एपटी और मैथ्स मिला के 28 में से अगर 20 प्लस मार्क्स आ गया, तो उसका बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है। तो मैं यही कोशिश रहा कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से तैयारी करो, बस यही था प्रिपरेशन स्टडी। जैसे आपने जो इस बार प्रिपरेशन मतलब मैं पहले एक चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसा कि अमित ने बताया कि मतलब मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत बड़ी एक टीचर का काम करता है। तो अमित ने जो 3 साल में मतलब फेस किया है, तो जो फर्स्ट बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अमित के एक्सपीरियंस से आप ये ले सकते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में ही ये करें, एक छोटा सा नोटबुक ले ले, उसमें आपकी जो जो मिस्टेक हो रही है वो लिख ले, क्योंकि लिखने से वो माइंड हिट करता है जब वैसा आप मिस्टेक करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अमित आएंगे कि जैसे आपने इस बार प्रिपरेशन किया था, तो आपकी सब्जेक्ट प्रिपरेशन की कोई स्ट्रेटजी थी, या फिर आपने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, या फिर आपको मीन्स जैसे आपने सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया, या किस टाइप का आपका अप्रोच था इस बार? मेरा जो अप्रोच था, मैं सोचा था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि गेट वालों को मतलब ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो इस टॉपिक से मतलब इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन देगा, इस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन देगा। तो हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो किया था। और एक चीज है कि मैं मेडिसिन का टेस्ट सीरीज लिया था, तो उसमें जो सारे टेस्ट था टोटल 58 के आसपास टेस्ट होता है, सब्जेक्ट टेस्ट टॉपिक टेस्ट, वो मैं सब कुछ दिया था टेस्ट। और मेरा अप्रोच था कि मैं थ्योरी कम पढ़ता था, क्योंकि मैं थ्योरी एक बार दो बार पढ़ लिया था, तो उसके बाद मेरे को थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। और मैं जब मेडिस में कोचिंग किया था, तब पुष्पेंद्र सिंह करके सर था, तो सर ने बोला था कि न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स फॉरगेट। सो तो वही मतलब पाथ मैंने फॉलो किया था कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना, बस। मतलब आपने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किया था इस बार? यस, थ्योरी मतलब पहले टेस्ट अटेम्प्ट करता था, उसके बाद बैक में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है,
ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप एक बार पूरा पढ़ चुके हो, अभी का ये तीसरा अटेम्प्ट था तो उसका थ्योरी ऑलरेडी कवर अप था, तो ये इन्होंने रिवर्स प्रोसेस अपनाया, ठीक है। फिर आप जो इस बार आपका जो टेस्ट, जैसे सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में और कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना और लैपटॉप में कैलकुलेट करना वो कैलकुलेटर में टफ है। तो आपका इस बार जो टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे थे वो कैसा अप्रोच था, आप किस अप्रोच से आप पूरे टेस्ट को हैंडल कर रहे थे? तो मैंने जब टेस्ट सीरीज देता, जब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने देता था, तब मैं क्या करता, मैं पहले टेक्निकल पार्ट में घुस जाता था। तो टेक्निकल पार्ट में मेरा मतलब टेस्ट सीरीज में पहले रहता था 1 मार्क का क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि चूज के करता था, मैं पहले से ही करते जाता था। लेकिन जिस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, वो मैं तुरंत ही छोड़ देता था उसको, मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में जब मेरा एक राउंड खत्म हो गया सारा क्वेश्चन देखने का, तब मैं उसको फिर से आगे दोबारा देखता था। और एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था वो मैं लास्ट में करता था, क्योंकि एप्टीट्यूड में अगर पहले थोड़ा बहुत एक दो सवाल नहीं बने तो कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगा अगले जो मतलब पेपर है उसमें, आगे अगले जो क्वेश्चन रहता है उसमें बहुत ही दिक्कत। और टाइम मैनेजमेंट का जो आखिर ने बोला, मेरे को टाइम में मैं उतना ज्यादा इशू नहीं आया कभी भी, मतलब किसी भी एग्जाम में उतना ज्यादा इशू नहीं आया टाइम के लेके, क्योंकि मतलब मेरा अप्रोच ऐसा ही रहता था कि जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगे उसको तुरंत ही स्किप कर दो, क्योंकि उसमें अगर आपने 5 मिनट लगा दिया और उसके बाद आपका अगर क्वेश्चन ना बने तो आपका कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही, उसके बाद आप 5 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो उसमें आपका मतलब बहुत ही दिक्कत आ जाएगा। तो मैं मेरा मतलब टेस्ट अटेम्प्ट करने का या फिर कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने का यही पॉसिबल था कि मैं तुरंत क्वेश्चन छोड़ देता जो मैं मेरे को नहीं आता था, और मैं देखता था कि सेकंड बार में वो तो हो ही जाता था। कि आपने बताया कि टेस्ट का, तो आप ऐसा लगा कि आपने एग्जाम में वो टेस्ट का स्ट्रेटजी फॉलो कर पाया जो जैसा टेस्ट में लग रहा था सिमिलरिटी? यस क्योंकि मतलब टेस्ट सीरीज इजीली होता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, कि आप ऐसा मत करो कि टेस्ट सीरीज में एक स्ट्रेटजी फॉलो किया आप एग्जाम में जाकर दूसरे स्ट्रेटजी पर, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज उसी के लिए फ्रेम होता है कि आपका जो एग्जाम का प्रेशर है, जो एग्जाम का एनवायरमेंट है, उसका आपका आदत में आ जाए, तो मतलब इसलिए टेस्ट सीरीज होता है। तो टेस्ट सीरीज जैसे अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में जाके भी उस तरीके से ही अटेम्प्ट करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मैं तो एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं प्रिपेयर नहीं किया था गेट का, मैं गेट का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, तो जैसे बट मैं मतलब फॉर्म भर दिया था। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि इस बार का गेट का पेपर टफेस्ट था। तो एक होता है ना कि आप पेपर में एक क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा, एक डिमोटिवेशन हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आता भी रहता है ना वो ऐसा माइंड बैक हो जाता है एग्जाम के टाइम में कि वो भी अब मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। तो आपने उस चीजों को कैसे हैंडल किया इस बार एग्जाम में, या आपको सारा आ रहा था? ये बिल्कुल, इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस बार का मेडिसिन का जो मैं टेस्ट सीरीज लिया था, मतलब वो उसका जो लेवल था वो बहुत ही टफ लेवल था इस बार का, क्योंकि उसको भी पता था कि मतलब 2023 का जो क्वेश्चन बनाएगा वो बनाएगा आईआईटी कानपुर, और आईआईटी कानपुर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि उसने जितने बार क्वेश्चन बनाया बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया। तो उसका टेस्ट सीरीज ऐसे इस तरीके से फ्रेम हुआ था। तो मैं टेस्ट सीरीज जब बना रहा था तब मैं देखा कि मेरा ऐसा हुआ कि लगातार 3 सवाल नहीं बने, तो मेरा वो जो मतलब वो आदत में आ गया कि अगर मेरे को 3 सवाल बन नहीं भी बन रहा है तो बाद में जाके मेरे को 4th सवाल या 5th सवाल बन भी जाएगा। तो एग्जाम में भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, क्योंकि इस बार 1 मार्क का जो सवाल था वो भी बहुत ही ट्रिकी सवाल था। तो 1 नंबर का ऐसा हुआ मेरा कि लगातार 4 क्वेश्चन नहीं बने, उसके बाद 5 क्वेश्चन जाके बना, तो उतना प्रेशर मेरे को फील नहीं हुआ क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज में वो आदत बन गया था। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो आपको एग्जाम का जो एनवायरमेंट है उसके मतलब उस जैसे आपको बना देगा। तो आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से देना चाहिए और जो आपको अच्छा लगे वो आप वही दे दीजिए बस। आप मतलब कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और मतलब कितना मिस्टेक हुआ था? क्वेश्चन अटेम्प्ट मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैं 52+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से गलत भी मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरा मार्क्स 54 रहा, तो यही मैं बोल सकता हूँ। आपने कितना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल, मतलब एक तो होता है कि आपने कितने कोचिंग का टेस्ट सीरीज अपना किया, एक होता है कि ये मतलब आप अलग अलग
जैसे इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी ज्वाइन लेते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा सिनेरियो था या सिर्फ आपने बस एक ही पेपर इलेक्ट्रिकल कर लिया? मैं टोटल दो टेस्ट लिया था, एक है मेडिजी का और एक है एस एकेडमी का। लेकिन मैं मेडिजी का सारे टेस्ट दिया था, लेकिन एस एकेडमी का मैं फुल टेस्ट लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ तीन और चार टेस्ट ही दे पाया। सब टेस्ट देने का मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि साथ साथ एमटेक भी कर मतलब मैं कर रहा था, तो उतना टाइम भी नहीं मिला था। और जो मैं जो प्रैक्टिस करता था, वो मैं प्रैक्टिस करता था कि मेडिजी और एस एकेडमी का प्रीवियस का जो क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन था, जैसे कि 2017 टू 2021 का, वो मैं सारे सॉल्व किए थे। तो यही स्ट्रेटेजी था। तो जैसे आपने मींस एक ही मतलब इलेक्ट्रिकल का टेस्ट सीरीज, हाँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही दिया था, और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्व किया था, जो कॉमन आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, क्योंकि सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन इसी का बहुत अच्छा आता है इलेक्ट्रिकल के मुकाबले। तो मतलब अगर आप थोड़ा टफनेस की तरह जाना चाहते हो, तो इसी का क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगाना चाहिए आपको। जैसा कि आप मैं मतलब ये भी जान रहा हूँ कि आप एमटेक कर रहे हैं, साथ ही मैं हम लोगों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी में भी बहुत सारा, ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ मतलब उसमें लगे हुए थे, जो आपका टाइम टेबल था उस हिसाब से आप बहुत सारा इंटरव्यू होता था। तो आपने मतलब एमटेक और गेट प्रिपरेशन दोनों को कैसे बैलेंस रखा, और अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब मैं आईआईटी बीएचयू से एमटेक कर रहा हूँ, तो मैं क्लास तो अटेंड करता था, ठीक है, लेकिन क्लास में जाके कुछ ज्यादा मतलब दिमाग के अंदर कुछ ज्यादा घुसता नहीं था, ये मैं मतलब मेरा क्लासमेट को भी बोल चुका था पहले। तो मैं क्या किया था, जब मेरा मिड टर्म मेरा हुआ था सितंबर के अराउंड, तो मैं क्या किया था, उससे 7 दिन पहले मैं गेट का पूरा पढ़ाई बंद कर दिया था, तो मैं 7 दिन सिर्फ एमटेक के लिए पढ़ा, तो वो हो गया मेरा मिड टर्म। उसके बाद मेरा जो एंड टर्म आया, वो आया था नवंबर के एंड में, 20 तारीख के लगभग आया था। तो मैं क्या किया था, उससे 15 दिन पहले मैं पूरा गेट का तैयारी बंद कर दिया पूरा एकदम। उसके बाद मैं सिर्फ एमटेक के लिए पढ़ा था, और मतलब एमटेक जब खत्म हो गया, मतलब एमटेक का एग्जाम जब खत्म हो गया, तब मैं फिर से गेट का तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि मींस अमित का ये बर्पण है, वह कि अमित को समझ में नहीं आ रहा था, अमित का आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में 9.5 से अब सीजीपी आया हुआ है, तो उन्होंने एमटेक में भी टॉप पोजीशन ऑलरेडी एक्वायर करके रखा है। तो जैसे अमित आप मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट होती है, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो एमटेक परस्यू कर रहा था, तो क्या आपको लगा कि एमटेक आपको सपोर्टिव रोल गेट में प्ले किया, या फिर आपको लगा कि वो आपको मतलब उतना नहीं कर रहा है सपोर्ट? नहीं बिल्कुल, एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स था, वो लगभग गेट का रिलेटेड कोर्स था, गेट के से थोड़ा एडवांस फर्स्ट में था। तो मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन सब्जेक्ट, जो कन्वर्टर का सब्जेक्ट हो गया, इन्वर्टर हो गया, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हो गया, उसमें मेरे को थोड़ा हेल्प हुआ, क्योंकि वो गेट के जैसा ही थोड़ा सब्जेक्ट था, तो इसमें बहुत ही हेल्प हुआ मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स लेके मेरे को। अच्छा, एग्जाम को जैसे हम लोग वो मतलब एग्जाम अपीयर होते हैं, तो आपका वैसा कोई मींस वो अप्रोच था कि सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर डायरेक्ट सीरियली? नहीं, मेरे को मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि मैं मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मैं इसको पहले को, ऐसा नहीं, मेरे सामने जो सवाल आता था मैं उसको ट्राई करता था, अगर नहीं होता तो मैं छोड़ देता था, यही मेरा अप्रोच था। मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों हम मान सकते हैं कि टफेस्ट है, बाकी भी टफेस्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली उसको मतलब अगर आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों पेपर को मींस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटजी था? हाँ, एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा इजी है, मतलब मशीन्स और पावर सिस्टम के कंपैरिजन में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, और उसके बाद जो थ्योरी रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको अगर अच्छे से लगा लिया, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पूरा बन जाएगा। मशीन में मेरे को भी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आता था, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, क्योंकि गेट में ज्यादा न्यूमेरिकल से आते हैं, थ्योरी का उतना सिलसिला नहीं होता था, होता है गेट में। तो मैं मतलब अगर आप मशीन का न्यूमेरिकल अप्रोच में देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो मैं बस न्यूमेरिकल अप्रोच में देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगा था।
लेकिन पावर सिस्टम जो है, पावर सिस्टम मेरा थोड़ा वीक था मतलब, लेकिन वो जिस जिस एरिया का एरिया में प्रॉब्लम को कवर करते थे न्यूमेरिकल्स को, तो वो मैं उस एरिया पढ़ के गया था, तो उसी से ही लगभग सवाल आते हैं। तो मतलब वो एग्जाम में अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज या कहीं और से कोई लेक्चर्स वगैरह से अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको मतलब एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड वेस्ट होता है, तो उसके लिए थ्योरी जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत डीप में, तो नहीं एक्चुअली मेरे को भी बहुत डीप में नहीं आता है थ्योरी, तो वही न्यूमेरिकल के लिए जो आता है वही सफिशिएंट है। हाँ, ये मैं निगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि अमित का जैसे यहाँ पे भी आया था तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में इंटरव्यू क्लियर हुआ था, बजाज ऑटो में भी इंटरव्यू क्लियर हुआ था, IOCL में भी इंटरव्यू का कॉल आया था, HPCL में अमित का सेकंड रैंक था रिटर्न, मतलब सेकंड नहीं बोल सकते हैं, फिफ्थ रैंक था रिटर्न में। लेकिन मतलब इन सबों के इंटरव्यू में मैं मतलब हम लोग हमेशा डिस्कस भी करते थे कि यू विल गेट समथिंग बिगर इन योर लाइफ सो डोंट वरी, लेकिन अमित थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता था, तो उस दौर को आपने मतलब, और पहले भी कुछ मतलब कोई वैसी जगह पे जॉब नहीं लगी थी, अभी तो फिलहाल NTPC में इनका हो चुका है, तो उन दौर को या उन डिमोटिवेशन फैक्टर को आप कैसे हैंडल करते थे, और फिर किस तरह अपने आप को रिचार्ज करके फिर से उस मोटिव मतलब उस तरह अपने आप को रिचार्ज करके फिर से प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, ये मोटिवेशन में सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरा मामी पापा का था, क्योंकि मतलब मैं अगर किसी भी एग्जाम में फेल भी हो जाऊँ तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो एक मोटिवेशन था, क्योंकि अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है तो मतलब आप तो आगे मतलब बढ़ ही जाओगे, तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं देख रहा था कि मेरा मतलब किसी भी टेस्ट में या किसी भी कंपनी का जो टेस्ट होता था उसमें मैं देखा था कि मेरा टेक्निकल पार्ट बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था, मेरा इंटरव्यू में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन मैं सुना था कि गेट में अगर आपका अच्छा रैंक आ जाए तो आपका PSU जाने का चांस बहुत ही बढ़ जाए, क्योंकि गेट का वेटेज रहता है 85% फॉर द सिलेक्शन ऑफ PSU। तो मैं सोचा था कि अगर टेक्निकल मेरा थोड़ा बहुत अच्छा है तो अगर मैं गेट के ऊपर फोकस कर लूँ तो मतलब रिटन टेस्ट के ऊपर तो मेरा PSU निकल जाएगा, तो ये सोच के थोड़ा मोटिवेशन भी फील होता था कि नहीं वो भी हो जाएगा, तो आखिर में हो भी गया, तो इसके लिए मैं बहुत ही यहाँ से ये भी कंक्लूजन आ रहा है कि आप मतलब डिमोटिवेट मत होइए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए। जैसे अमित ने अपना स्ट्रेंथ इस तरह से डिवाइड किया कि हमारा रिटर्न में स्ट्रेंथ है तो हम इसको इतना मजबूत कर देंगे कि हमें इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 85% वेटेज है वहां पे हम लीड कर जाएंगे, तो 48 रैंक ला के हम ऐसा लीड करेंगे कि भाई हमें इंटरव्यू की कोई खास जरूरत नहीं। इंटरव्यू का मतलब जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, जरूरत है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट मतलब इसको उससे इसका जो निगेटिव फैक्टर हो उसको इससे सप्रेस कर देना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अमित का इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, मैं मतलब ऑलरेडी देख चुका हूँ, हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं, तो टेक्निकल नॉलेज का ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि किसका क्या है। तो मैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका डेली का टाइम टेबल क्या होता था, आप कैसे मतलब किस तरह से मतलब दिन को डिवाइड करते थे टेस्ट सीरीज में, फिर थ्योरी स्टडी में, ऐसे किस तरह से डिवाइड करते थे। और दूसरा क्वेश्चन उसी में मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फ्रेशर मतलब इवन जीरो से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है तो उसे कौन सा ऐसा मतलब किस तरह से अपने आप को, जैसे कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो गया या पास आउट हो गया, तो उसको कौन सा मतलब ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी इसके क्लोज या मतलब इस तरह का रैंक अचीव किया जा सके। बिल्कुल, सो पहले मैं क्लियर करता हूँ मेरा टाइम टेबल का। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए अगस्त में, लगभग अगस्त में आया, तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास होता था वो सुबह 8:30 बजे से किसी किसी सर का होता था, किसी किसी सर का 10 बजे से होता था। तो सुबह 8:30 बजे तो मतलब हम लोग 8 बजे तक तैयार होके मतलब ब्रेकफास्ट टेबल में जाना पड़ता था, उसके बाद हम लोग क्लास आते थे। तो 8 बजे से पहले मैं 6:30 बजे उठ जाता था, तो 6:30 से 7:30 तक एक आवर का मेरा एक बार मैं रीडिंग कर लेता था। उसके बाद कॉलेज से आके फिर मतलब पढ़ने बैठता था, और तो उस टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व ही मैं ज्यादा करता था, क्योंकि थ्योरी तो अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए तब मैं थ्योरी पोर्शन थोड़ा देखता था, और रात में खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड को देता था कि बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ए गुड रैंक।
और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि कोई भी फ्रेशर या फिर पास आउट स्टूडेंट अगर मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए? जैसे कि मैंने जो कोचिंग किया था, मैं जब मेरा फोर्थ ईयर में था, फोर्थ ईयर में था तब मैं कोचिंग कर लिया था। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, आप बीटेक में रहते हो तो आप थोड़ा ज्यादा चिल मोड में रहते हो, ठीक है। तो हमारा मैं वीकेंड बैच ज्वाइन किया था मेरे कलकत्ता में, तो मैं क्या करता था, सैटरडे संडे जाता था वहां पर, सिर्फ नोट्स बना के आ जाता था, कुछ पढ़ता भी नहीं था। तो इसलिए मेरा 20 का मतलब अटेम्प्ट तो बहुत ही घटिया था, क्योंकि उस टाइम कुछ प्रिपरेशन नहीं था। तो उसके बाद क्या किया, जब 21 के लिए तैयारी कर रहा था तब मैं पूरा जो नोट्स था वो पूरा पढ़ा। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो लगाया, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाया था। तो उस मतलब आप लोगों को भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप जहां से कोचिंग कर रहे हो वहां से पूरा आपका थ्योरी कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया, एक बार मत लगाइए, मतलब पहली बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, उसके बाद आप कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क में रखिए कि ये क्वेश्चन मेरे से एक बार में नहीं बना, ये क्वेश्चन मेरे को दो बार लगा, तीन बार लगा, ऐसा कुछ, या फिर ये एक बार में बन गया लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो उसको भी स्टार मार्क में लगा दिया। तो आप जब रिवीजन में जाओगे, रिवीजन आपको करना ही है, ठीक है। तो रिवीजन अगर नहीं करोगे आपका माइंड रिटर्न नहीं कर पाएगा, अगर आपका माइंड रिटर्न नहीं कर पाएगा तो आपका सवाल में उतना मतलब स्पीड नहीं आएगा। तो जब आप रिवीजन में जाओगे तो रिवीजन करने के बाद आप फिर से वो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो फिर से देख लो कि उसमें क्या क्या गलती हुआ था या फिर कौन सी अप्रोच सही है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में जाओ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज ऐसा करो कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपका खत्म हो गया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाओ कि मेरे को ये सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज देना है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया, उसमें से जो गलती हो रहा है आपका वो आप फिर से नोट्स में जाके देखो कि ये इसमें फॉर्मूला छूट रहा है या फिर मेरा कॉन्सेप्चुअल छूट रहा है या फिर कुछ छूट रहा है, ठीक है। तो ये सब करो बस एंड तक रिजल्ट। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चे शॉर्ट मतलब सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो आपने ऐसा कुछ किया था शॉर्ट नोट प्रिपरेशन में? जैसे कि मेरा मतलब कोई शॉर्ट नोट नहीं था, लेकिन मेरा जो मिस्टेक्स हो रहा था उसको मतलब शॉर्ट नोट्स की तरीके की मैं लिख लेता था कि इस फॉर्मूला में मिस्टेक हो रहा है तो इस फॉर्मूला एक बार लिख लिया। तो अब जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले अगर आप रात में बैठ के थोड़ा देख लोगे कि ये फॉर्मूला आपका मिस्टेक हुआ है या फिर ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, ये डेटा में आपका मिस्टेक हुआ है, तो मतलब वो आप देख के मतलब चले गए। उसके बाद एग्जाम में अगर उसी तरीके का कोई सवाल है तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि मेरा ये गलत हुआ था, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छे से करना होगा। तो यही था बस। एक क्वेश्चन ये है मेरे माइंड में कि जैसे कि होता है कि बहुत सारे चीजों मतलब रेगुलर मोटिवेट करना खुद को डिफिकल्ट बनता है, तो आप उन सब चीजों के बीच खुद को मीन्स मोटिवेट, खुद को एंटरटेन भी मतलब सब कुछ जरूरी होती है एक साथ, ऐसा नहीं है कि हम किताब लेके बैठ गए तो डेली पढ़ रहे हैं, खुद को एंटरटेन भी करना रहता है, खुद को मोटिवेट भी करना रहता है, दोस्तों के साथ गप्पे सरके भी करना रहता है, तो इन सब चीजों के लिए आप खुद को मोटिवेट या इन सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं? देखिए आपका जब डाउन आएगा तब डाउन आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मतलब दो दिन तक इतना डाउन रहता था कि मैं मतलब मेरा कुछ पढ़ाई भी नहीं होता था। तो उस टाइम आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस टाइम आपका नहीं होगा। अगर आप बहुत ही सिंसियर हो तो आपको ये फेज नहीं आएगा शायद, लेकिन मतलब मेरे केस में यह सब फेज आया था, बीच में आ जाता था, मतलब गुस्सा भी होता था कि अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है। और अगर हॉस्टल लाइफ में रह रहे हो तो आपको मोटिवेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ भी रहा है अच्छे से, और उसमें आपका माइंड रिफ्रेशमेंट का तो कोई बात ही नहीं, वो तो हमेशा ही होते रहता है हॉस्टल में, तो हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छा रहता है। तो हॉस्टल लाइफ भी एक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह का काम किया बस। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने गेट में आपका ऑलरेडी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप इस रैंक का क्या यूज करना चाहोगे, कहां जाना चाहिए? तो मेरा जो फास्ट प्रेफरेंस था वो है
तो लेकिन पावर ग्रिड और एनटीपीसी का भी सैलरी बहुत लगभग सेम हो गया, तो मेरे को ऑलरेडी एनटीपीसी मिल चुका है, तो मैं सोच रहा था कि एनटीपीसी में ही ज्वाइन करूंगा। अगर बाद में मेरे को कॉस्को में हो गया तो मैं शायद स्विच कर लूँ, वो मतलब उस टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। लेकिन ये मतलब ये जो रैंक है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ही काम आया बस, क्योंकि बहुत साल से तैयारी कर रहा था, तो मतलब जो जिस लेवल का मतलब तैयारी था उस लेवल का रैंक नहीं आ रहा था, थोड़ा डाउन था, लेकिन इस बार आ गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बस, इससे मोटिवेशन की तरह काम किया बस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई अगर आप अपना स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करना चाहो, आपको लगे कि आप मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हो या कि आपके स्टोरी से किसी को फायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल पे आके अपना मतलब शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंड में एक चीज मैं मतलब जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरा जो ये गेट का जर्नी रहा, मतलब इसमें बहुत सारा लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, जैसे कि मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली और मेरा कुछ सर का, तो लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक नाम लेना चाहूंगा इसमें, जैसे कि मेरा एक दोस्त है संजू सरदार करके, तो वो मतलब हर अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ था। वो अगर मैं कोई टेस्ट देते तो फोन करके पूछता भाई कितना मार्क्स है, अगर किसी दिन मैं डिमोटिवेट हो जाता तो उससे फोन करके मतलब बात कर लेता तो थोड़ा तो अच्छा फील होता, मतलब वो सारे अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ था। और इस मतलब कॉलेज में आके मेरा डिपार्टमेंट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब दोस्ती अच्छे है, जैसे कि मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा अखिल झा को, मतलब अखिल झा ऐसा एक बंदा है कि अगर कुछ डिमोटिवेट फील हुआ तो अखिल के पास आ जाता, वो मतलब बहुत ही मोटिवेट करता है मेरे को। और अखिल का एक खास बात है कि ये भी इस साल गेट लिखा है, लेकिन वो लगभग दो दिन मतलब सिर्फ तैयारी की, सिर्फ दो दिन तैयारी करके ये अंडर 1000 निकला है। अगर बहुत अच्छा तैयारी करते तो उसका रैंक शायद मतलब टॉप 100 में तो रहता ही रैंक, और ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपर है। तो मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितना भी बच्चा है वो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिव रहा, मतलब मेरे को ये लोग मतलब प्यार से पाल बुलाते हैं, तो बोलते हैं पाल तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सब कुछ हो ही जाएगा। तो मैं इसलिए सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा बस, यही धन्यवाद। See?